बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 14,000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार, 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी। योगी सरकार ने आईटी सेक्टर में 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को गुरुवार को मंजूरी दे दी। माइक्रोसॉफ्ट 2186 करोड़ का, MAQ 483 करोड़ और पेटीएम 638 करोड़ का निवेश नोएडा में करेगी। इस निवेश के जरिए 14,185 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा डेटा सेंटर के लिए भी दो निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सिंगापुर की कंपनी एसटीपी नोएडा में डेटा सेंटर के लिए 1130 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वाराणसी में अब 10 मिनट में कराइए 59 तरह की निशुल्क जांच। स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर गुरुवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौकाघाट पर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिले की दूसरी हेल्थ स्वचालित मशीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सबसे पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। कहा कि जिस तरह बैंक की एटीएम मशीन से चंद मिनटों में पैसे निकल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हेल्थ एटीएम से मरीजों को अलग अलग बीमारियों की पूरी जानकारी 5 से 10 मिनट में मिल जाएगी। क्षेत्रवासियों को इससे बहुत लाभ होगा, मरीजों को घर से कहीं दूर नहीं जाना होगा। प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हुआ, अब 10 में मिलेगा। चारबाग रेलवे स्टेशन पर अब गुरुवार से प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का हो गया। रेलवे ने दीपावली से पहले 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट की दर को बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया था। दीपावली के बाद 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये दर फिर से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति यात्री कर दी गई। हालांकि बगल स्थित लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 रुपए प्रति यात्री ही थी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि 3 नवंबर से लखनऊ के अलावा वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अयोध्या अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, जंघई, भदोही, प्रतापगढ़ एवं उन्नाव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए प्रति यात्री होगा। यूपी में बिजली सखी योजना के जरिए हर महीने 10,000 कमाने का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों से आसानी से बिजली बिल का संग्रह करने और महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बिजली सखी योजना की शुरुआत की। इस योजना के दो फायदे हैं, एक तो ग्रामीण इलाकों में बिजली का बिल आसानी से जमा हो रहा है और दूसरा ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इसके जरिए बेहतर रोजगार पा रही हैं। ग्रामीण महिलाएं बिजली सखी योजना के जरिए हर महीने 8,000 से लेकर 10,000 रुपए महीने तक कमा रही हैं। यूपी निकाय चुनाव में ऑनलाइन मतदाता बनने का आज अंतिम मौका। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हालांकि बीएलओ को ऑफलाइन आवेदन 7 नवंबर तक दिए जा सकते हैं। योगी सरकार यूपी को बनाने जा रही डेटा सेंटर का हब। उत्तर प्रदेश जल्दी डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर के बाद अब योगी सरकार ने राज्य में 7 और डेटा सेंटर खोलने का फैसला किया। इस तरह ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर को मिलाकर कुल 8 डेटा सेंटर हो जाएंगे। इसके लिए डेटा सेंटर 2021 नीति में संशोधनों के प्रस्ताव को प्रदेश मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। अति पिछड़ी जातियों के लिए योगी सरकार करने जा रही है बड़ा काम। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का सटीक लाभ मिल सके, लिहाजा राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है। सरकार उत्तर प्रदेश में मुसहर, सहरिया, वनटांगिया और विमुक्त घुमंतु समुदाय के लिए न सिर्फ आवास की सुविधा दे रही है बल्कि सरकार उनके रोजगार के लिए भी प्रयास करेगी। उनकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाओं का भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ते घर बनाएगी योगी सरकार। यूपी सरकार शहरी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक अफोर्डेबल आवास बनाएगी। इसके लिए नई टाउनशिप नीति में इसकी व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के द्वारा प्रस्तुत नई नीति को देखने के बाद ये निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण में सर्व सुविधा युक्त कन्वेंशन सेंटर बनाए, इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव दें। मदरसों को लेकर डिप्टी सीएम केशव बड़ा बयान, नहीं चलने देंगे दुकान। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसों की आड़ में दुकानें नहीं चलने दी जाएंगी। मदरसों की जांच से घबराने की जरूरत नहीं, ये बेहतरी के लिए किया जा रहा है। एक दिवसीय दौरे पर मेरठ आए डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता में नगर निकाय चुनाव को लेकर भ्रष्टाचार, मदरसों की जांच पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने बैठक में पार्टी पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली।
इससे पूर्व मेरठ पहुंचने पर वे जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के गंगानगर स्थित आवास पर उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। शिलांग चेरापूंजी की हवाई यात्रा कराएगा IRCTC। दिसंबर की सर्दी में पूर्वोत्तर की सैर कराने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने दिसंबर माह का एक पैकेज लॉन्च कर दिया है। इस पैकेज में 19 से 25 दिसंबर तक IRCTC लखनऊ से शिलांग, चेरापूंजी, कांजीरंगा और गुवाहाटी की सैर कराएगा। ये विमान यात्रा 6 दिन और 5 रात की होगी। चेरापूंजी से मासमई गुफा, 7 सिस्टर वाटरफॉल्स, नोहक लिकाई वाटरफॉल्स और एलिफेंटा वाटरफॉल्स, शिलांग में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मवल्यनांग का भ्रमण, डॉगी काजीरंगा नेशनल पार्क, डान वास्को म्यूजियम, यूमियाम लेक, गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन एवं स्थानीय भ्रमण कराया जाएगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी से शुरू करें तैयारी। कृषि आधारित MSME उद्योगों के उत्थान के लिए आयोजित इस महासम्मेलन में प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। सम्मेलन के दौरान अपने उद्बोधन में सीएम योगी ने इस बात की घोषणा की कि प्रदेश सरकार की ओर जल्द लाई जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण नीति में MSME क्षेत्र के उद्यमियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्तिक मेले के लिए रेलवे की खास व्यवस्था, गढ़मुक्तेश्वर समेत 5 स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेन। कार्तिक मेले के अवसर पर उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल के गढ़मुक्तेश्वर, कांखाथेर, रामगंगा, राजघाट और बालावाली स्टेशन पर 6 से 11 नवंबर तक मेरठ राजरानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन को अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। ट्रेन नंबर 22453 और 22454 लखनऊ जंक्शन मेरठ राजरानी एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में गढ़मुक्तेश्वर पर 6 से 10 नवंबर तक रुकेगी। शत्रु संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतों पर योगी आदित्यनाथ सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शत्रु संपत्ति पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया। सीएम योगी ने कहा कि विभिन्न जनपदों में स्थित शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि शत्रु संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेशव्यापी कार्यवाही शुरू की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि अंतर्राज्यीय और यूपी से जुड़े दूसरे राज्यों की सीमा से जुड़े जिलों को वाइब्रेंट बनाने के लिए नियोजित तरीके से प्रयास किया जाए। फ्लैट लेने का प्लान है तो बड़े आवास विकास दे रहा 15% तक की छूट। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अपनी वृंदावन और अवध विहार योजना के रिक्त फ्लैट्स की खरीद पर 15% तक की छूट देगा। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हुआ। अब कोई भी व्यक्ति इस छूट का फायदा ले सकता है। इसी के साथ बल्क में बिल्डर्स व अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली 25% की छूट खत्म कर दी गई। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 1200 छात्रों का भविष्य दांव पर। गोरखपुर जिले के राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज का विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इस कॉलेज में पंजीकृत करीब 1200 छात्रों का भविष्य दांव पर है। फर्जी मान्यता दिखाकर इन छात्रों से 4 साल में फीस की मोटी रकम वसूली गई। इस रकम को वापस करने में संचालक आनाकानी कर रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने तेवर अब तल्ख कर दिए हैं। सीएम योगी ने की श्री राम चरण पादुका की पूजा, रथ को किया रवाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को श्री राम चरण पादुका की विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्री राम कर्मभूमि रथ यात्रा को रवाना किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एवं साधु संत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने साधु संतों की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से श्री राम चरण पादुका की पूजा अर्चना की। कानपुर आउचक खत्म, पुलिस कमिश्नरेट में शामिल। सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया। कानपुर आउटर समेत लखनऊ और वाराणसी के आउटर व ग्रामीण इलाकों की व्यवस्था खत्म करके उन्हें पुलिस कमिश्नरेट में शामिल कर दिया गया। इस फैसले के बाद अब कानपुर आउटर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का ही हिस्सा होगा, जो कि पुलिस कमिश्नर के कार्यक्षेत्र में शामिल होगा। सरकार के इस फैसले के बाद SP कानपुर आउटर एडिशनल SP कानपुर आउटर के पद समाप्त हो जाएंगे। इनकी जगह DCP और ADCP की तैनाती होगी। वही CO अब ACP होंगे। वाराणसी में डेंगू और वायरल बुखार से हाल बेहाल, जिला अस्पताल में बेड फुल। वायरल बुखार के मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी जारी है। बांजेपुर स्थित जिला अस्पताल के वार्ड के 230 और इमरजेंसी के सभी 18 बेड फुल होने के बाद बुधवार स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज किया गया। 20 से अधिक बुखार सहित अन्य गंभीर मरीजों को लौटा दिया गया। वहीं 3 ब्लड बैंक में 170 तक प्लेटलेट की वेटिंग चल रही है। अस्पताल के इमरजेंसी में हर रोज 40 से 50 मरीज इलाज के लिए
पहुंच रही हैं। मरीजों का प्लेटलेट्स लेवल गिरने से उन्हें भर्ती करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे जिलों की हवा हुई जहरीली, कानपुर आगरा में भी स्थिति बेहद खराब। ठंड और धुंध ने हवाओं को जहरीला बनाना शुरू कर दिया है। हालात दिवाली से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार की शाम 400 के पार चला गया। आगरा, कानपुर और मेरठ में भी हवा बेहद खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया। सबसे खराब स्थिति नोएडा के सेक्टर 62 में रिकॉर्ड की गई। कानपुर, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर में बढ़ा पेट्रोल का रेट। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहर लखनऊ में पेट्रोल के दामों में मामूली तेजी देखने को मिली, जबकि यहां डीजल में मामूली राहत मिली। इसके अलावा कानपुर, गोरखपुर, बरेली में डीजल और पेट्रोल के दोनों के रेट्स बढ़े। तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में पेट्रोल 96.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.64 रुपये प्रति लीटर था। वाराणसी में पेट्रोल 96.89 और डीजल 90.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। रेलवे ग्रुप डी परिणाम होने वाला है जारी। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। अभ्यर्थी अपने आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकेंगे। आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जल्द ही रेलवे भर्ती बोर्ड नतीजे जारी करेगा। आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 5 चरणों में 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक आयोजित की गई थी। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के जरिए ग्रुप डी के 1.03 लाख पदों पर भर्ती होगी। कितनी बड़ी बेरोजगारी दर, इस सेक्टर में हो रही कम भर्तियां। आज महंगाई सातवें आसमान पर है। देश में न जाने कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में हैं, हर रोज दर दर की ठोकरें खाते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में बेरोजगारी की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चला कि अक्टूबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर सितंबर में 6.4% से बढ़कर 7.8% हो गई। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जीपीएफ पर DOPPW ने जारी किया नवीन आदेश। सरकार ने 6/7 पे कमीशन शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। इसके साथ ही सरकार के निर्देश के तहत जीपीएफ खाते में 6% राशि जमा करने वाली शर्त के साथ इसकी अधिकतम राशि सीमा भी तय कर दी गई। इसके साथ ही अब शासकीय कर्मचारी अधिकारी किसी भी तरह से 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जीपीएफ में जमा नहीं कर पाएंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारी संगठन का आरोप है कि यह कदम कर्मियों से अधिक फायदा छीनने के प्रयास के तहत उठाया गया। राकेश कहते हैं फिर दिया आंदोलन की धमकी, कहा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर कर रही सरकार की नीतियां। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन की हुई पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीतियां बड़े आंदोलन को मजबूर कर रही हैं। उन्होंने इसी नीति के विरोध में 26 को लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। कल्याणपुर निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुजफ्फर अली बुढ़ाना ब्लॉक अध्यक्ष नौशाद के नेतृत्व में गांव में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राकेश टिकैत ने खुले मन से सरकार को चुनौती दी। यूपी के जिले में 13 नवंबर को अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी। मेरठ में 13 नवंबर को अग्निवीर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा होगी। डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में अग्निवीर प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने एसपी यातायात को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए परीक्षा स्थल के आसपास की सड़कों पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।